खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि दिल्ली से आ रही है, जहां पर 16 फरवरी को केजरीवाल शपथ ग्रहण करेंगे। सुबह 10 बजे रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। आपको बता दें कि बतौर मुख्यमंत्री तीसरी बार अरविंद केजरीवाल शपथ लेंगे। प्रचंड जीत के बाद आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर रही है। नतीजों में आपने 70 में से 62 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी ने सिर्फ 8 सीटें हासिल की। सबसे पहले तो मैं दिल्ली की 2 करोड़ जनता को बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और सच कहूं तो आज आभार व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि पहली बार शायद काम की राजनीति को इतना बड़ा सम्मान किसी चुनाव में मिला है। और ये उम्मीद लोगों को दिल्ली के लोगों से थी, दिल्ली की जनता से थी। दिल्ली की जनता से जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा, उससे कहीं प्रचुर मात्रा में सम्मान काम की राजनीति को दिल्ली की जनता ने दिया, प्यार मोहब्बत की राजनीति को दिया, नफरत की राजनीति को सिरे से नकारा। 70 में से 62 सीटें और लगातार दूसरी बार इतनी बड़ी बम्पर जीत देकर दिल्ली के लोगों ने फिर सिद्ध किया है कि देश की राजधानी में देश के वो लोग रहते हैं, वो वोटर्स रहते हैं, देश भर से आए हुए वो लोग रहते हैं जो काम को पसंद करते हैं, जो ये चाहते हैं कि सरकारों का काम लोगों के लिए सुविधाएं देना है, लोगों की जिंदगी में सहयोग करना है, लोगों के परिवार को समृद्ध बनाना है और अल्टीमेटली राष्ट्र को समृद्ध बनाना है, काम करना है। आज दिल्ली के लोगों ने बताया है कि काम का, राजनीति का डेवलपमेंट मॉडल जो है वो केजरीवाल जी का डेवलपमेंट मॉडल है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जीत की अगली सुबह कुछ खास क्यों रही, क्या है केजरीवाल के सहयोगियों का दिल्ली का प्लान, आइए जानते हैं 70 विधायकों के साथ। बिल्कुल, 5 साल अरविंद केजरीवाल जी को फिर से जनता की सेवा करने के लिए दिल्ली की जनता ने दिए हैं। 5 साल भरपूर काम करेंगे और जितने काम बीते 5 सालों में करे उससे ज़्यादा इन 5 सालों में करेंगे। इतना बड़ा मैंडेट फिर से आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को जनता ने दिया, और उन्होंने परिवार के बड़े बेटे की तरह, एक देशभक्त की तरह राष्ट्र निर्माण का काम बीते 5 सालों में किया है, वो काम जारी रहेगा और आने वाले 5 साल में भी अरविंद केजरीवाल लगातार परिवार के बड़े बेटे की तरह, दिल्ली के श्रवण कुमार की तरह जनता की सेवा करेंगे। हाँ नहीं, बिल्कुल, और आवाम की जीत है, लोगों ने भरोसा किया। इसके अलावा जो शाहीनबाग का मुद्दा था, मानते हैं शाहीनबाग का मुद्दा रहा इस चुनाव? नहीं, डेवलपमेंट का मुद्दा रहा, डेवलपमेंट का मुद्दा रहा। लोगों के बीच में जाएंगे शाहीनबाग को लेकर के जो लोग धरने पर बैठे उनसे? तो कहूंगा केंद्र सरकार को आना चाहिए, बात करनी चाहिए। अमित शाह जहां गली गली घूम करके वोट मांग सकते हैं शाहीनबाग के नाम पे, तो क्या एक मरतबा उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती वहां जाएं, लोगों से पूछें कि 2 महीने से लोग क्यों बैठे हैं? वो उनके भी तो होम मिनिस्टर हैं। कैबिनेट में जगह चाहेंगे? अरे एमएलए ठीक हूँ, खुश हूँ। नहीं, मैं सबसे पहले जनता का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने दोबारा काम करने का मौका दिया और उन्होंने काम पे वोट किया है, और आगे आने वाले 5 साल में और बढ़िया काम करेंगे। बतौर मंत्री काम करेंगे या बतौर विधायक काम करेंगे? जैसा जो आदेश होगा उसके हिसाब से काम करेंगे। काफी चुनौती थी नजफगढ़ वाली सीट को लेकर के, कई बार रेड अलार्म बजते रहे, तो आपको लगा कि इस बार मुश्किल हुई सीट पर? नहीं, सिर्फ एक जगह हम ट्रेल किए थे, लेकिन उसके बाद तो लीड में थे, और मुझे पूरा विश्वास था कि लगातार 5 साल काम किया है जनता के लिए। गांव देहात ने भी भरोसा किया इस बार? गांव देहात का ने अच्छी वोट की है इस बार। देखिए, मुझे लगता है कि ये मेहनत क्षेत्र की जनता का है, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का है, और ये जो नेगेटिव पॉलिटिक्स थी उसके खिलाफ गुस्सा भी है। जिस तरह की पॉलिटिक्स की गई, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्या क्या नहीं कहा गया, कोई आतंकवादी कह दिया, तो कोई कह दिया मंदिर शुद्ध हो गया, तो मुझे लगता है दोनों का, ऊपर वाले भी, हनुमान जी भी उनकी लंका में आग लगाया चुकी। हनुमान जी वाला फेवरेट रंग भी पहना हुआ है? मैं हमेशा पहनता हूँ, चूंकि हमारे धर्म धंधा नहीं है, ये आस्था का विषय है, जिनके लिए धंधा धंधा करते रहे। वांछलियों ने काफी भरोसा किया? सब ने भरोसा किया। देखिए, वोटिंग पैटर्न को देखेंगे तो सब ने भरोसा किया, पूरे क्षेत्र की जनता ने भरोसा किया। इतनी बड़ी मैंडेट किसी एक उससे तो आ नहीं सकता है, मुझे लगता है कि सबका ये विश्वास और भरोसा था। नहीं, निश्चित तौर पर काम को वोट जनता ने करा है, काम हमने किए हैं,
हमारे काम किसी से छिपे नहीं है, चाहे विधायक के रूप में हो या सरकार के रूप में हो, और जनता ने बता दिया है कि काम ही जो है राजनीतिक दलों को अब आगे लेकर। मंगोलपुरी में पहला काम इस बार क्या? मंगोलपुरी में अब जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि जो नशा है वो बहुत चरम सीमा पर पहुंच गया है। लॉ एंड ऑर्डर बेसिक तौर पर ये दोनों चीज़ें केंद्र सरकार से डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं, लेकिन विधायक होने के नाते इस बार मेरा इस पर संघर्ष पहले दिन से ही शुरू हुआ। हमने संकल्प लिया था चुनाव से पहले कि हमारे यहाँ पानी की समस्या रहती है, हमने काफ़ी उसको ठीक भी किया है, और हमारा संकल्प है कि 2023 तक मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद के स्वरूप करोड़बाग की जनता को 24 घंटे पानी हम देंगे। जीत के मायने बहुत टफ कंटेस्ट था, लेकिन पार्टी का काम सामने आया, मुख्यमंत्री का जो कार्यशैली है वो सामने आया, इस वजह से हमें जीत प्राप्त हुई। इस बार पार्टी में वकील बहुत सारे भर गए हैं, अच्छी बात है, पढ़े लिखे लोग आए, वकील भरे तो और अच्छी मदद मिलेगी। वकील कैबिनेट में भी होंगे क्या? ये कुछ नहीं कह सकते, मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव वो बताएंगे। पहला काम आपकी विधानसभा में आप क्या करेंगे? आप तो पहली बार विधायक बन गए। हमारी विधानसभा में पहला काम है पानी का और सीवर का। ये दिल्ली कैंट की जनता की जीत है, और मैं भी फौजी हूँ बता दूं आपको। मैं दिल्ली एक्स मैन एसोसिएशन का चीफ पैटर्न हूँ और राज्य सैनिक बोर्ड का मेंबर भी हूँ, तो फौजी भी मेरे साथ थे और वहाँ की सिविल जनता, क्योंकि मैं सदर बाजार दिल्ली कैंट का ही रहने वाला हूँ, क्षेत्रीय उम्मीदवार होने के नाते और पढ़ा लिखा होने के नाते लोगों ने मुझे चुना अरविंद केजरीवाल जी के कामों के कारण, और वहाँ की जो समस्या थी बहुत बड़ी, पानी की समस्या, वो अरविंद केजरीवाल जी ने उसका निपटारा कर दिया। बहुत से काम इन्होंने किए हैं पार्टी ने जिसके लोग खुश थे। मेरी तरफ से 5 गाँव में मीठा पानी पहुँचाना यमुना का, और 2 झुगियाँ हैं दोनों में बिजली पहुँचाना, प्लस ट्रांसपोर्ट का जो यातायात बसें हैं उनकी कनेक्टिविटी बढ़ाना मेरे लिए प्राथमिकता पर है। अरविंद केजरीवाल जी को और उनके द्वारा किए गए कामों को, और हमने भी बहुत काम उनके द्वारा कराए, जनता ने काम पे वोट दिया, क्योंकि हमारे क्षेत्र के अंदर तो गृह मंत्री भी आगे बैठे रहे, 3-3 मुख्यमंत्री बैठे रहे, 4 MP आए हुए थे बाहर के, उसके अलावा दूसरे स्टेट्स के मिनिस्टर्स आए हुए थे, साथ ही हीरो हीरोइन भी आए, लेकिन उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल हमारे सबसे बड़े हीरो साबित हुए, और ये सारे के सारे जितने भी आए इन सब ध्वस्त हो गए यहाँ पर, कोई उनका जो किया धरा चला नहीं। हमारी विधानसभा के अंदर काम तो जो रुके पड़े हैं वो सारे कंप्लीट होंगे, हाई टेंशन वायर्स हटनी है हमारे यहाँ, नाले की दीवारें बननी है, और गलियां जो रोड की हमने टेंडर्स किए हुए हैं वो उसको हम कंप्लीट करेंगे। जो पहले उम्मीद रखी थी जी सरकार से पब्लिक ने, उससे भी ज़्यादा आप रखेंगे, और आगे इससे भी बढ़ चढ़ कर हम लोग काम करेंगे। बड़ी हमको सफलता मिली है, दिल्ली का विश्वास जो है दोबारा केजरीवाल साहब को मिला है, मैं समझता हूँ इससे भी बढ़कर हम लोग और भी जो कुछ काम रह गए या उससे भी बढ़कर हम लोग एक नया काम करने की शुरुआत करेंगे। एक ही नाम है, उसका नाम केजरीवाल है। यानी आप भी मान रहे हैं कि केजरीवाल के ही, केजरीवाल का डंका चल रहा है उसमें हम भी तैर गए। कौन सा मुद्दा, किस बात का मुद्दा, यहाँ तो केजरीवाल नाम ही मुद्दा है और कोई इच्छा नहीं है, सब बेकार है। देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम करे पिछली सरकार ने, और ये इलेक्शन पूरी तरीके से काम पे हुआ, और केजरीवाल जी के ने जो काम करे, और जो दिल्ली की जनता केजरीवाल जी से प्यार करती है, तो ये इलेक्शन पूरी तरीके से काम पे हुआ, और दिल्ली की जनता ने दिखा दिया है कि दिल्ली की जनता को सिर्फ काम चाहिए, काम चाहिए, काम चाहिए। सर ये जीत जो हुई है काम की जीत हुई है, जो 5 में हमने काम किए हैं, अरविंद जी ने जो काम दिल्ली में किए करके दिखाए लोगों को, पानी का बिजली का जो वादे किए थे उससे ज़्यादा काम किया हमने। 2015 में हम सब नए थे, उस समय लोगों ने भरोसा किया हमारे ऊपर, भरोसे के बिना पे दोबारा अब जो इलेक्शन में आए हम काम के ऊपर आए हैं, उन्होंने ओपनली कहा था कि हमने काम किया तो वोट दीजिएगा नहीं तो मत दीजिएगा, तो आज लोगों ने काम की सराहना किया है और अरविंद जी को दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाया और मेरे को विधानसभा भेजा है। सर उन्होंने कभी काम किया नहीं, हर काम को उल्टा उन्होंने कहना है, मुद्दा क्या पब्लिक सब जानती है, पब्लिक को पता है बिल्कुल कुछ नहीं करते हैं, खाली हवाबाजी करते हैं ये, उन्होंने एक सच्चाई का साथ दिया, ईमानदार गवर्नमेंट का साथ दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के 48 सीटों के दावे दम तोड़ गए, और ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली ने आपको नायक बना दिया? पूरी दिल्ली ने अरविंद केजरीवाल जी के काम को, पिछले 5 में अरविंद केजरीवाल जी ने जो आम जनता के लिए काम किया, उनका आम परिवार का बेटा बनके काम किया, उसको वोट किया है, और बहुत खुशी है कि पूरी दिल्ली में केजरीवाल जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए इतनी बम्पर जीत मिली है, पटपड़गंज भी उसमें शामिल हुआ है, मुझे पटपड़गंज के विधायक बनने पर एक बार फिर से खुशी। मेरे से आप पूछिए तो मुझे लगता है देश में पहली बार किसी चुनाव में शिक्षा पर हुए काम की जीत हुई है, ये शिक्षा की जीत है। जो हमारे कार्यकर्ताओं ने जो कठिन परिश्रम किया है, जो लगातार उन्होंने अपना एफर्ट किया है हमारे
भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं ने उनके मेहनत के लिए सबको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत मेहनत करी है कार्यकर्ताओं ने और दिल्ली की जनता का ये जो जनादेश है उसको सर माथे रखते हुए मैं अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो दिल्ली की आकांक्षाओं के अनुरूप दिल्ली सरकार में अच्छा करते हुए दिल्ली को उसके अपेक्षाओं की पूर्ति करेंगे। 5 साल दिल्ली में फिर से केजरीवाल रहेंगे। प्रचंड जीत के बाद केजरीवाल ने कहा जय बजरंगबली। जी हां, केजरीवाल की जिस आस्था पर बीजेपी ने सवाल उठाए थे उसी आस्था को प्रणाम करने के लिए केजरीवाल नतीजों के बाद सीधे हनुमान मंदिर पहुंचे। नतीजों ने साफ कर दिया जय बजरंगबली में कितना विश्वास अरविंद केजरीवाल का था और वो साबित हुआ। दिल्ली में केजरीवाल ही बाहुबली बने। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद दिल्ली के बजरंगी भाईजान बन गए हैं अरविंद केजरीवाल। बजरंगबली ने अपने भक्त केजरीवाल की पुकार भी सुनी और उनके राजनीतिक दुश्मनों के सियासी अरमानों की नली भी तोड़ दी। जी हां, ऐसी तोड़ी है कि उन्हें फिर से उठ खड़े होने में ही अरसा लग जाएगा। लगातार तीसरी बार दिल्ली की कमान संभालने जा रहे अरविंद केजरीवाल खुद को हनुमान का भक्त कहते हैं। तभी मतदान से पहले और चुनाव जीतने के बाद अपने स्वामी का आशीर्वाद लेना नहीं भूले। चुनाव से पहले भी केजरीवाल ने कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में बजरंगबली का आशीर्वाद लिया था और चुनाव जीतने के तुरंत बाद भी हाथ जोड़े अपने भगवान के सामने जा पहुंचे और अपने इष्ट देव को इतना सब कुछ देने के बदले में शुक्रिया कहा। अभी हनुमान मंदिर होके आ रहे हैं और हनुमान जी सबका भला करेंगे। यहाँ पर अपने परिवार के साथ अरविंद केजरीवाल पहुँचे हुए हैं। बड़ी जीत के बाद सीधे आज पहुँचे हैं हनुमान मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए और इससे पहले अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा भी पढ़ चुके हैं। भक्त जो हैं जिन्होंने उन्हें वोट भी किया है वो यहां पर अरविंद केजरीवाल से अपील भी कर रहे हैं। तो आशीर्वाद लेने पहुंचे अरविंद केजरीवाल प्राचीन हनुमान मंदिर में। हालांकि केजरीवाल को हराने के लिए दिल्ली में विपक्ष ने भी ईश्वर भक्ति दिखाई थी लेकिन ऊपर वाला केजरीवाल की आस्था और भक्ति से ज्यादा प्रसन्न हुआ और बदले में रिकॉर्ड तोड़ जीत का आशीर्वाद दिया। हनुमान जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद और हम सब लोग दिल्लीवासी प्रभु से यही कामना करते हैं कि आने वाले 5 साल में भी हमें इसी तरह से दिशा दिखाता रहे, हमें शक्ति दे कि जैसे पिछले 5 साल हम लोगों ने लग के दिल्लीवासियों की सेवा की, अपने परिवार में बड़ी उम्मीदों से इतनी सीटें दी है, अब अपने को अगले 5 साल खूब मेहनत करनी है ना, सब मिलके करेंगे, मैं अकेला नहीं कर सकता, सब लोग तैयार हैं। मंगलवार को बजरंगबली का दिन कहा जाता है और मंगलवार के दिन ही भगवान ने अपने भक्त का दिन मंगल मंगल कर दिया। मतदान से पहले कभी केजरीवाल ने पूरा हनुमान चालीसा सुनाया तो कभी गदा के साथ चुनावी मंच पर अवतरित हुए जिसका बीजेपी ने जमकर माखौल भी उड़ाया। लेकिन आखिर में मंगल हुआ तो वो सिर्फ केजरीवाल का हुआ। बजरंगबली ने वाकई में केजरीवाल की सत्ता में सेंधमारी करने वालों की नली तोड़ दी। दिल्ली वालों, गजब कर दिया आप लोगों ने। अगले 5 साल के लिए तो बजरंगबली ने केजरीवाल का बेड़ा तो पार कर दिया लेकिन अब चुनौती इस भक्त के सामने भी है जिसे भक्ति का इनाम तो मिला है लेकिन उसे निभाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगानी पड़ेगी। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।
केजरीवाल ने कहा कि हनुमान की जय तो दिल्ली में उन्हें मिल गई महाविजय। हम आपको बता दें कि केजरीवाल के हनुमान भक्ति और निजी आस्था पर बीजेपी ने जमकर हमला बोला था। जब केजरीवाल ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और चुनावी मंच पर गदा उठाया तो उसका भी विपक्ष ने माखौल उड़ाया। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के पक्ष में वोटों की ऐसी आंधी बही कि पूरा विपक्ष हवा हवाई हो गया। हनुमान भक्त केजरीवाल पर मंगलवार को जीत की मंगल वर्षा हुई, लेकिन उससे पहले उनकी हनुमान भक्ति को कई बार कटघरे में भी खड़ा किया गया। आम आदमी पार्टी पूरे चुनाव प्रचार में अपने 5 साल के काम को जनता के सामने पेश करती रही। आपने शिक्षा, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और महिला सुरक्षा को अपना चुनावी मुद्दा बनाया, लेकिन बीजेपी ने अधिक जोर इस बात को साबित करने पर दिया कि प्रचार के दौरान केजरीवाल की हनुमान भक्ति और हनुमान चालीसा का पाठ असली कम, सियासी मजबूरी ज्यादा थी। अभी तो केजरीवाल जी ने हनुमान चालीसा ही पढ़नी शुरू की है। भाइयों बहनों, आप देखना आगे आगे होता क्या है। जी हाँ, और बीजेपी ने यही सबसे बड़ी गलती कर दी। बजरंगबली में केजरीवाल की आस्था को चुनावी मुद्दा बनाने की बड़ी भूल कर दी। हालांकि अब की बार केजरीवाल को अपनी हनुमान भक्ति पर पूरा भरोसा था। भरोसा था कि ईश्वर में उनकी आस्था का आशीर्वाद और प्रसाद उन्हें जरूर मिलेगा। हाथों में गदा लिए अपनी भक्ति की शक्ति पर इतना इत्मीनान था कि बीजेपी वालों के लिए भी अच्छे दिनों की कामना थी। पूछा भाई, आपको हनुमान चालीसा आता है? मैंने कहा जी आता है। बोला गा के सुनाओ, मैंने गा के सुना दिया। तब से इन बीजेपी वालों को ऐसी मिर्ची लगी है। मैंने कहा अभी तो मैंने गाया, सारे बीजेपी वालों से भी गवाऊंगा मैं हनुमान चालीसा, और सारे जन हनुमान चालीसा गाएंगे, थोड़ी इनकी भाषा सुधरेगी, थोड़े इनके मन में शांति आएगी, थोड़ी मर्यादा आएगी, थोड़ा संयम आएगा इनकी भाषा में। चुनावी नतीजों से पहले ही मोदी के वरिष्ठ मंत्रियों तक ने केजरीवाल को हारा हुआ साबित कर दिया। केजरीवाल के हनुमान चालीसा के पाठ को उनका आखिरी हथियार बता दिया। संकट मोचन की याद जब आदमी सही संकट में आता है तब करता है। जो रोज स्मरण करे उसको दुख ही नहीं होता, लेकिन जो दुख में आकर बाद में स्मरण करता है उसको उसका उपयोग भी नहीं होता। ये संकट मोचन का आज इनको क्यों ध्यान आया? क्योंकि अब इनकी नैया डूब रही है, जनता को सच्चाई का पता चल गया है। जब बिगड़ता हुआ माहौल देखे तो फिर हनुमान चालीसा भी आधे अधूरे पढ़ने लगे, हनुमान जी के चरणों भी चले गए। कौन सा चेहरा उनका है? शर्जिल इमाम, शाहीन बाग, हनुमान जी राक्षस या हनुमान जी दुख भंजन? लेकिन दिल्ली के हैरान करने वाले चुनावी नतीजों ने केजरीवाल की भक्ति पर बीजेपी के तमाम आरोपों को चकनाचूर कर दिया। न सिर्फ बजरंगबली ने अपने भक्त का बेड़ा पार कर दिया, बल्कि विरोधियों को भी ये सीख मिली होगी कि किसी की निजी आस्था पर चोट कभी मंगलकारी नहीं होता है। आज तक जो लंच ब्रेक में अभी के लिए बस इतना ही।